ए गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल ए पी एजुकेशन हर्ब एंड इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट अ शॉर्ट स्टोरी द फ्री रेडियो बाई सलमान राशिदी सो गाइज़ द फ्री रेडियो जो ये स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको कि सलमान राशिदी ने लिखा है सो so, ये शॉर्ट स्टोरी आप लोगों के एग्जाम्स में इंक्लूडेड है सो so इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे गाइज इसके अलावा भी और काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं आप लोगों के सिलेबस में सो so वो भी हम कवर अप करेंगे सो विदाउट एनी डिले डिलेट डिस्कस अबाउट दिस शॉर्ट स्टोरी सो गाइज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑथर कि जो ये शॉर्ट स्टोरी है द फ्री रेडियो इसको लिखा है सलमान रशदी ने सो सबसे पहले हम सलमान रशदी के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे सो सलमान रशदी इज़ अ ब्रिटिश इंडियन नावलिस्ट सो गई सलमान रशदी जो हैं वो ब्रिटिश इंडियन नावलिस्ट हैं ही वॉज़ बॉर्न ऑन नाइन जून नाइनटीन फोर्टी सेवन इन बॉम्बे इंडिया सो गाइज़ देखो वो नाइनटीन फोर्टी सेवन में उनका जन्म हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान ये एक ही था डिवीज़न तब तक नहीं हुआ था ही मूवड टू पाकिस्तान इन नाइनटीन सिक्सटी फोर विद हिज़ फैमिली सो गाइज़ जब इनका जन्म हुआ था तब तो ये लोग इंडिया में ही थे बिकॉज तब तक डिवीज़न नहीं हुआ था बट 1964 में सलमान रशदी अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान चले गए आफ्टर डिवीज़न डिवीज़न के भी काफ़ी सालों बाद वो चले गए पाकिस्तान एंड ही हैज़ वर्न फ्रेंच लिटरेरी प्राइज़ इन्होंने फ्रेंच लिटरेरी प्राइज़ जीता है इसके अलावा इनकी नॉवल शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज इनकी जो नावल है वो बुकर प्राइस के लिए भी शॉर्ट हुई है और भी काफ़ी सारी अचीवमेंट्स इनकी लिटरेचर की फील्ड में रही हैं तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सलमान रशदी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जाने माने नावलिस्ट हैं इनकी एक नावल है सतानिक वर्सेस जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई है और इन्हें जेल में भी रहकर आना पड़ा था नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस स्टोरी कि जो ये शॉर्ट स्टोरी है ये है क्या इसमें किस बारे में डिस्कस किया गया है सो गाइज द फ्री रेडियो जो है फर्स्ट अपीयर्ड इन रशदीज़ अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन ईस्ट वेस्ट जो ये द फ्री रेडियो है ये सलमान रशदी का जो स्टोरी कलेक्शन सबसे पहले बना था फर्स्ट अपीयर्ड मतलब जो सबसे पहले सलमान रशदी ने अपने एक स्टोरी कलेक्शन बनाया था ईस्ट वेस्ट उसमें इसको ऐड किया गया एंड द कलेक्शन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994 और जो ये ईस्ट वेस्ट स्टोरी कलेक्शन है रशदी जी का इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया 1994 में एंड दिस स्टोरी टॉक्स अबाउट दिस सेल्फ डिसेप्शन एंड डिल्यूजन ऑफ पुअर क्लास सो गाइज बेसिकली जो ये शॉर्ट स्टोरी है ये जो पुअर क्लास मतलब जो लोअर मिडल क्लास जो होती हैं उनमें किस तरीके का डिसेप्शन होता है किस तरीके का डिल्यूजन होता है मतलब वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और किस तरीके से वो अपनी लाइफ जीते हैं बेसिकली इस बारे में इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है सेल्फ डिसेप्शन तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे स्टोरी को सो गाइस स्टोरी ऑफ अंग रिक्शा वाला ड्राइवर हु अंडर गोज़ गवर्नमेंट्स फोर्स स्टेरलाइजेशन प्रोग्राम सो गाइस ये एक शॉर्ट स्टोरी है एक यंग रिक्शा वाले के बारे में जिसका नाम है रमानी रमानी एक रिक्शा चलाता है और वो जो गवर्नमेंट ने नाइनटीन सेवेंटी फाइव में 1975 सेवेंटी फाइव में इंडिया में एमरजेंसी पीरियड लगा हुआ था उस टाइम जो गवर्नमेंट है वो लोगों को ज़बरदस्ती स्टेरिलाइज करवा रही थी नसबंदी लोगों की करवा रही थी तो ये जो रिक्शा वाला रमानी था ये किस तरीके से अपनी नसबंदी करवा लेता है बेसिकली उस पूरी चीज़ के बारे में इस शॉर्ट स्टोरी में बताया गया है इज नाओ विल डिस्कस अबाउट द मेन करेक्टर्स ऑफ द फ्री रेडियो एंड देर आर ओनली थ्री मेन करेक्टर्स ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी सबसे पहले है रमानी रमानी जो है ये एक रिक्शा ड्राइवर है जो कि बेसिकली पुअर क्लास से ही बिलोंग करता है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है गुड लुकिंग है और इसके पेरेंट्स ना मदर है ना फादर है ये अपना जो भी खर्चा है वो रिक्शा चलाकर ही चलाता है और गाइज़ ये है एक दूसरा करेक्टर थीफ विडो जो ये थीफ विडो है इसका हस्बैंड तो मर गया है विडो से ही पता लग रहा है और इसके बेसिकली पाँच बच्चे हैं सो so गाइज जो ये थीफ विडो है बहुत ज़्यादा क्लेवर है बहुत ज़्यादा शातिर है और ये रमानी को अपने जाल में फंसा लेती है और इसी कारण जो रमानी है वो अपनी नसबंदी कराता है नेक्स्ट करेक्टर इज़ नरेटर सो गाइज जो ये नरेटर है ये एक ओल्ड मैन है जो कि रमानी के पेरेंट्स जो उसके फादर थे उसका दोस्त है और ये नहीं चाहता है कि रमानी नसबंदी कराए या फिर रमानी इस thief विडो के साथ रिलेशनशिप में आए ये नरेटर इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है और वो एक बार थीप वीडियो से बात करने की कोशिश भी करता है लेकिन सब कुछ उल्टा ही पड़ जाता है सो गाइज ना विल डिस्कस अबाउट द समरी एंड एनालिसिस ऑफ द फ्री रेडियो विद एनिमेशन इसमें हम बेसिकली इसकी एक समरी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है और अगर आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करें कि किस इंसिडेंट के बाद कौन सा इंसिडेंट होता है प्लॉट जो है वो किस तरीके से डेवलप होता है एक एक चीज़ हम डिस्कस करें विद नोट्स देन लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स मैं नोट्स के साथ पूरा आप लोगों के साथ समरी और एनालाइज डिस्कस करूंगी अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक बस छोटा सा स्टोरी का ओवरव्यू देख रहे हैं जिसमें हम छोटे तरीके से समरी को समझने की कोशिश करेंगे सो so, इसमें भी आप लोगों को पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बट इंसिडेंट्स पता नहीं लगेंगे कि कौन से इंसिडेंट के बाद क्या होता है कब कौन किससे मिलता है पूर, पूरा डिटेल्ड समरी बेसिकली नहीं होगा ये एक शॉर्ट समरी होगी जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सो गाइज विदाउट एनी लेट डिस्कस समरी ऑल्सो सो गाइज इस शॉर्ट स्टोरी की स्टार्टिंग होती है इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट के साथ जो कि है रमानी सो so गाइज रमानी एक बहुत ज़्यादा हैंडसम गुड लुकिंग यंग मैन है जो कि रिक्शा चलाता है और वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है नासमझ सा है बच्चा ही है बेसिकली मतलब बीस बाईस साल का होगा और इस पूरी स्टोरी के बारे में हमें नरेट करके बताते हैं नरेटर और जो ये नरेटर हैं ये एक ओल्ड मैन है रिटायर्ड टीचर हैं और ये हमें पूरा इस स्टोरी के बारे में नरेट करके बताते हैं फर्स्ट पर्सन नरेशन यहाँ पर होती है अबाउट अ थर्ड पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन नरेशन हमें यहाँ पे नरेटर करके बताते हैं थर्ड पर्सन के बारे में सो थर्ड पर्सन कौन है रमानी की वो हमें रमानी के बारे में पूरी स्टोरी बता रहे हैं सो गई बेसिकली जो ये स्टोरी है ये रमानी और एक थीफ विडो होती है इन दोनों के लव अफेयर के बारे में है और इस स्टोरी की जो प्लॉटिंग है वो होती है 1975 के आसपास की और 1975 में इंडिया में एमरजेंसी पीरियड चल रहा था आपातकाल चल रहा था उस टाइम में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी लेट श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके जो छोटे बेटे थे संजय गांधी वो लोगों के जबरन नसबंदी करा रहे थे मतलब वो लोगों को फोर्स कर रहे थे वैसिक के लिए या फिर स्टेरलाइजेशन के लिए कि मतलब लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ कर ले जा रहे थे और उनकी नसबंदी करा रहे थे ताकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कम हो सके सो ये इसका बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है सो so गाइज़ जो ये रमानी है ये बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है और ये गली में से जब भी चलाते हुए रिक्शा निकलता है तो मतलब गाने गा रहा होता है और बहुत खुश लगता है हर वक्त और जो स्ट्रीट में या टाउन में जो भी लड़कियाँ होती हैं वो इसके गुड लुकिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं सो so इस तरीके से सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है सो so गाइज एक दिन जब रमानी रिक्शा लेकर जा रहा होता है तो उसे मिलते हैं रास्ते में ये थीफ विडो और जो ये थीफ विडो होती है गाइज शी इज़ वेरी क्लेवर ये बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग की है और अब इसके हस्बैंड नहीं है और इसके टोटल फाइव बच्चे हैं मतलब दो बच्चे तो इसके मर चुके हैं मतलब टोटल सेवन हुए और अभी इसके फ़ाइव बच्चों के साथ ये रह रही है सो ये सोचती है कि, कि किस तरीके से मैं अपना घर चलाऊं और ये सोचती है रमानी को फंसाने का बट सिर्फ ये इतना चाहती है कि रमानी से इसकी शादी हो जाए इसका घर खर्च चलता रहे लेकिन ये कोई और बच्चे नहीं चाहती है क्योंकि ऑलरेडी उसके फ़ाइव बच्चे हैं सो so गैस देखो जो ये नरेटर है ये नरेटर रमानी के पेरेंट्स का मतलब जो रमानी के फादर थे उसका फ्रेंड था और इसीलिए नरेटर नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से रमानी का बुरा हो या ये जो थीफ विडो है ये रमानी को अपने जाल में फंसाए सो so, ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है सो so, गैस एक दिन ये रमानी जा रहा होता है अपना रिक्शा लेके और जो ये थीफ विडो होती है खड़ी होती है टाउन में अपने पाँचों बच्चों के साथ और ये एकदम से इतनी जोर से लाउड आवाज़ में आवाज़ लगाती है रिक्शा रिक्शा मतलब जैसे तो पता नहीं उसके पास कितना पैसा हो सो so गाइज़ उसके बाद उसके पांचों बच्चे और ये जो थीफ विडो होती है ये रमानी के रिक्शा में बैठ कर चले जाते हैं सो so गाइज़ यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो ये थीफ विडो है ये रमानी को इस राइड के लिए पे कर रही है लेकिन रमानी को इस बारे में नहीं पता है कि वो इस पे के बदले एक इन्वेस्टमेंट कर रही है कि रमानी को अपने जाल में वो फंसा लेगी और ये चीज़ देखकर जो ये ओल्ड मैन होता है जो नरेटर होता है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये यहाँ पर क्या कमेंट करता है केयरफुल माई सन और यू विल हैव दिस बर्डन टू पुल फॉर ऑल ऑफ़ योर लाइफ कि मतलब तुम्हें ये बोझ जो है पूरी ज़िंदगी उठा कर चलना पड़ सकता है अदरवाइज केयरफुल हो जाओ और गाइज फिर हमें नरेटर बताता है कि इस इंसिडेंट के बाद जो रमानी है और जो ये थीफ विडो है ऑलमोस्ट पब्लिक प्लेस पर सबको एक साथ दिखने लग जाते हैं ये इस तरीके से घूमते हैं लाइक like कपल्स कि जैसे ये कपल हों और नरेटर यहाँ पर क्या बोलते हैं कि थैंक गॉड जो रमानी की मदर है वो भी एक्सपायर हो गई देखो रमानी के फादर तो है नहीं और रमानी अब अपने फादर वाला ही रिक्शा चलाता है और साथ में उसकी मदर भी नहीं है मतलब रमानी अब अकेला है सो इसीलिए नरेटर यहाँ पर कमेंट करते हैं कि थैंक गॉड रमानी की मदर ये सब देखने के लिए ज़िंदा नहीं है वरना वो कितनी ज़्यादा दुखी होती और शर्म से उसका सर नीचे हो जाता एक तो गाइज़ रमानी इस थीप विडो के साथ रिलेशनशिप में आ गया और दूसरी बात जो ये रमानी है ये कुछ बैड बॉयज़ की आ, संगत में आ जाता है उनकी कंपनी में आ जाता है मतलब वो लोग जो ड्रिंक करते हैं मारपीट करते हैं उनकी कंपनी में रमानी आ जाता है और जो ये मैन है मतलब आप लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से गुंडे ही हैं सो जो ये मैन है इन्होंने अपने हाथ में पहन रखे होते हैं यूथ मूवमेंट के बैंड्स की मतलब हाँ ये यूथ मूवमेंट से बिलोंग करते हैं और ये बेसिकली वही लोग हैं जो फोर्सफुली लोगों को वैसिक टमी के लिए भेजते हैं नसबंदी कराने के लिए लेकर जाते हैं और जो नहीं कराते हैं उनको पीटते हैं इनकी कंपनी में आ जाता है रमानी और रमानी इन लोगों के साथ रहने लग जाता है इन लोगों के साथ कैंटीन के पीछे जाकर ड्रिंक करता है और जो ये लोग होते हैं मतलब जो ये बैड बॉय वाली जो कंपनी होती है ये रमानी को बहुत ज़्यादा फ्लैटर करते हैं तो हमेशा उसकी फ्लैटरिंग करते रहते हैं चापलूसी करते रहते हैं कि ओ माई गॉड रमानी तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो तुम कितने ज़्यादा गुड लुकिंग हो और तुम तो एक सुपरस्टार बन सकते हो एक हीरो बन सकते हो तुम्हें तो फिल्मों में जाने का ट्राई करना चाहिए तो इस तरीके से ये सब लोग जो ये गुंडे होते हैं ये रमानी की चापलूसी करते हैं ये चापलूसी क्यों करते हैं बिकॉज रमानी से इन्हें पैसे चाहिए ताकि ये लोग भी उसके साथ मिलकर ड्रिंक कर सकें और कार्ड्स खेल सकें और अपना जेब खर्च चला सकें और गाइस सिमिलरली जो ये थीफ विडो है ये भी रमानी को प्रेज करती है कि तुम बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो बहुत ज़्यादा हैंसम हो तुम्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए तुम सुपरस्टार बन सकते हो वो भी इसीलिए प्रेस करती है वो भी इसीलिए उसकी फ्लैटरिंग करती है बिकॉज उसको भी उससे पैसा चाहिए वो तो एक तरीके से उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही है सो so, जो ये गुंडे लोग हैं और जो ये थीफ विडो है ये दोनों ही इसीलिए फ्लैटरिंग करते हैं रमानी की ताकि ये उससे पैसा एंट सकें सो so गैस जो ये नरेटर है नहीं चाहता है कि रमानी का बुरा हो और ये डिसाइड करता है कि ये इस थीफ वीडो से बात करेगा कि तुम उससे दूर रहो और एक दिन जब ये थीफ विडो बनिया की शॉप पर आती है कुछ सामान खरीदने के लिए तो ये ओल्ड मैन उस थीपीडो को बुलाता है अपने पास और बोलता है कि तुम रमानी से दूर रहो या फिर किसी आश्रम में चले जाओ लेकिन रमानी से तुम दूर ही रहो सो so, इस पर जो थीफ विडो होती है वो बहुत ज़्यादा कर्ज़ करने लग जाती है शाउट करने लग जाती है इस ओल्ड मैन पर और बोलती है कि मैं रमानी के पीछे नहीं पड़ी पढ़ी इनफैक्ट इनफैक्ट रमानी हैज़ आस्ड मी टू मैरी हिम तो इस तरीके से बोलती है कि मैं उसके पीछे नहीं पड़ी पढ़ी और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है और ओल्ड मैन को कर्ज़ करने लग जाती है और बोलती है कि रमानी ने मुझे प्रपोज़ किया है मैरी के लिए इनफैक्ट मैंने ही रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट एनी मोर चिल्ड्रन में और बच्चे नहीं चाहती हूँ सो गाइज उसी दिन जो ये ओल्ड मैन है वो डिसाइड कर लेता है कि ठीक है ब्रमानी जो भी कुछ करें वो उसके इस लफड़े में नहीं फंसेगा बिकॉज इनफैक्ट उसी को इससे बेइज्जत होना पड़ रहा है सो so गाइज जिस बैनियन ट्री के पास ये नरेटर बैठा करता था वहाँ पर अब एक कारावैन आने लग जाती है जिसके अंदर लोगों को लेकर जाते हैं और वैसिक टमी वाला जो भी ये प्रोसेस है वो करते हैं और बाहर भेज देते हैं सो so, एक दिन जब ये बैठा होता है नरेटर वहाँ पर तो ये देखता है कि उस कारावैन के अंदर से रमानी आ रहा है ये बोलते हुए कि अब उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा एक ब्रांड न्यू फर्स्ट क्लास बैटरी ऑपरेटेड ट्रांजिस्टर रेडियो मतलब आप लोग समझ सकते हो कि गवर्नमेंट किस तरीके से लोगों को झांसा देकर कर फंसा रही है कि जो भी वैसे कराएगा उसे एक फ़्री रेडियो मिलेगा उस टाइम पर रेडियो होना किसी के पास बहुत बड़ी बात होती थी उसके बाद गाइस जो ये रमानी होता है ये उस विडो से शादी कर लेता है एक मतलब छोटी सी से सेरेमनी करते हैं और ये दोनों शादी कर लेते हैं तो गए शादी के बाद जब नरेटर देखता है एक दिन रमानी को तो नरेटर उससे इस बारे में पूछता है तो इस पर रमानी क्या कहता है कि उसने वैसे टमी इसीलिए कराई है बिकॉज अब उसे एक फ्री रेडियो मिल जाएगा और साथ ही साथ उससे अपना प्यार भी मिल गया वो लेडी भी मिल गई जिससे वो शादी करना चाहता था जिससे वो प्यार करता था सो so सोगैस इस बात पर जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि रमानी ने कितना ज़्यादा बुरा किया है जिस वैसिक्टेमी के लिए लोगों को फोर्स किया जा रहा है वो वेसिकटमी रमानी ने वॉल्टेरिली कराई है कि हाँ मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन इट जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है और नरेटर गुस्सा करते हुए बोलता है रमानी को माई ईडियट चाइल्ड यू हैव लेट दैट वुमेन डिप्राइव यू ऑफ़ योर मैन हुड कि तुम सच में ही बेवकूफ़ हो इस तरीके से वो बोलता है रमानी को इस देखो रमानी अपने आप को यहाँ पर डिफेंड करता है कि उसका जो नसबंदी है जो ये वेसिक्टमी का डिसीजन है ये बिल्कुल भी गलत नहीं है और वो यहाँ पर क्या बोलता है इट डज़ नॉट स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम एंगेजिंग इन सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड ओनली वर्क्स एज अ बर्थ कंट्रोल कि जो वेसिकटमी उसने कराई है इट डज़ नॉट स्टॉप कि हम सेक्शुअल इंटरकोर्स करने से हमें नहीं रोकता है बल्कि इससे तो हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट है मतलब जो कि पूरा देश चाह रहा है कि हमारे देश की पॉपुलेशन कम हो जाए तो उसने बहुत अच्छा काम किया इस तरीके से रमानी अपने आप को डिफेंड करता है और बोलता है कि बहुत ही जल्द उसे एक फ्री रेडियो मिल जाएगा तो नरेटर यहाँ पर क्या बोलते हैं रमानी को कि तुम सच में बेवकूफ़ हो जो फ्री रेडियो वाली स्कीम थी वो तो कब की जा चुकी है बहुत पहले आई थी और वो स्कीम अब बिल्कुल बंद हो चुकी है सो वह टाइम बीतता जाता है जो ये थीफ विडो है ये अब टाउन में दिखना लगभग कम हो जाती है बिकॉज़ रमानी तो अभी ने पैसे कमा कर दे ही रहा है और रमानी का जो एंथ्यूज़म है रेडियो के लिए कि हाँ मुझे रेडियो मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्री रेडियो मिलेगा वो बिल्कुल भी कम नहीं होता है वो जब भी किसी से मिलता है हमेशा इसी के बारे में बात करता रहता है सोवाइज so उसके बाद जब टाउन में ये काराविन आती है तो रमानी अपना रेडियो जो फ्री रेडियो से मिलने वाला था उसकी मांग करने के लिए जाता है उस कारावे में कि हाँ भाई मेरा जो गिफ्ट है स्पेशल गिफ्ट तो मुझे दो तो उसके बाद जब वो कारावैन में जाता है तो बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं कि मतलब किस तरीके से उनमें बातचीत होती है डिसअग्रीमेंट होते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है और फिर जो लोग थे जिनके साथ बैठकर रमानी ड्रिंक किया करता था जो एक टाइम में उसकी फ्लैटरिंग किया करते थे वो रमानी को मार पीट कर बाहर फेंक देते हैं रमानी के मुँह से खून आ रहा होता है तो इस तरीके से हमें पता लगा कि उसको कोई भी फ्री रेडियो नहीं मिला ये तो गवर्नमेंट ने बस लोगों को एक झांसा दे रखा था सो so, इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद गाइस रमानी अपना रिक्शा बेच देता है और डिसाइड करता है कि वो बॉम्बे जाकर अपना लक फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करेगा और वो अकेला नहीं जाता है अपनी पूरी फैमिली को मतलब जो ये थीफ विडो थी इसको इसके पाँच सौ बच्चों को लेकर और खुद मतलब ये सब चले जाते हैं मुंबई बॉम्बे और वहाँ पर जाकर अपना जो ये रमानी है फिल्म इंडस्ट्री में करियर स्टार्ट करने के बारे में सोचता है तो ये सब बातें जो ये रमानी है नरेटर को बताता है कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ वहाँ जाकर मैं अपना करियर स्टार्ट करूँगा सो यही लास्ट कॉन्वर्जेसन होती है रमानी की और इस ओल्ड मैन की उसके बाद रमानी की और ओल्ड मैन की कोई भी कॉन्वर्जेसन नहीं होती है थोड़े थोड़े टाइम बाद लेटर्स आते हैं ओल्ड मैन के लिए बॉम्बे से और उन लेटर में क्या बताया जाता है कि रमानी हैड बीन इमीजिएटली डिस्कवर्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड दैट अ बिग स्टूडियो वॉज ग्रूमिंग हिम टू बी अ फिल्म स्टार की मतलब बहुत जल्दी वो एक फिल्म स्टार बन जाएगा और जो उनकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली और हैप्पीली चल रही है तो इन लेटर्स के साथ ही ये जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है गाइज लेकिन जो नरेटर है वो इन लेटर्स पर भी कमेंट करता है कि ये लेटर्स रमानी ने नहीं लिखे हैं बल्कि ये लेटर्स तो किसी प्रोफेशनल राइटर से लिखवाए गए हैं और नरेटर यहाँ पर क्या बताते हैं कि उनके पास ऐसे बहुत सारे लेटर्स रखे हैं जो कि रमानी ने भेजे हैं उनके लिए जो कि पूरे कॉन्फिडेंस से भरे हुए लगते हैं और कुछ लेटर्स तो वो आज भी पढ़ते हैं तो so गैस जो ये शॉर्ट स्टोरी है यहीं पर एंड हो जाती है रमानी को कोई भी फ्री रेडियो नहीं मिलता है सो so बेसिकली इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू सलमान राजदी हमें इस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि 1975 की इमरजेंसी के टाइम पर लोगों को किस तरीके से धोखा दिया जा रहा था ज़बरदस्ती उनकी नसबंदियाँ की जा रही थी सो so, ये उस टाइम का एक पोर्ट्रियल हम देख रहे हैं और उन्होंने अपनी एक और भी शॉर्ट स्टोरी में इस टाइम पीरियड के बारे में जिक्र किया है सो गाइज आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट स्टोरी द फ्री रेडियो क्लियर हो गई होगी और अगर आप लोगों को इस शॉर्ट स्टोरी में या अदर किसी भी चीज़ में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है देन यू गाइज कैन आस्क म इन द कॉमेंट बॉक्स ऑल्स यू कैन कॉन्टेक्ट माई इंस्टाग्राम और इधर आर माई फेसबुक पेज आल गी द लिंक ऑफ बोथ टू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो गाइज डू फॉलो मिन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो आन माई फेसबुक पेज एंड येस गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करके बताएँ कैसी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पैलेकन जरूर दबा दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू